वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जनवरी 2019 और 4 जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी हाल ही में जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा और ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बात है तो अभी पाकिस्तान से रिलेटेड मैंने आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। चाइना की करेंसी रेनमिनबी पे बेस्ड पांडा बॉन्ड जारी किया था पाकिस्तान ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाइना की करेंसी पे बेस्ड है और पाकिस्तान ने जारी किया है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। तो इस बॉन्ड का नाम आप याद रखना, इस बॉन्ड का नाम है पांडा बॉन्ड। किसने जारी किया? पाकिस्तान ने जारी किया। चाइना से लोन लेने के लिए, चाइना से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये पांडा बॉन्ड जारी किया है पाकिस्तान ने और चाइना की करेंसी रेनमिनबी पे ये बेस्ड है। तो इस बॉन्ड का नाम आप जरूर याद रखना। और अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा। अब बात पाकिस्तान की है तो मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। इतना आप पाकिस्तान के बारे में याद रखिए। अच्छा, कभी कभी एक बेसिक क्वेश्चन और बन जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये भी आप याद रखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको डेली बोलता हूं कि अगर आप मॉर्निंग में टारगेट फिक्स करने वाली हैबिट डेवलप कर लोगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज दिखाई देंगे। इसलिए मैं आपको डेली बोलता हूं, मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो पंजाब के जालंधर में अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हो रही है भारतीय विज्ञान कांग्रेस और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस बार की भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है, यानी कि इसका सब्जेक्ट क्या है? तो इस बार की थीम है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है थीम? फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विजया बैंक और देना बैंक, अब इन दोनों बैंकों का विलय हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में और ये इंडिया में पहली बार है जब 3 बैंकों का एक साथ विलय हो रहा है। अभी तक आपने हमेशा देखा होगा 2 बैंकों का विलय यानी कि मर्जर होता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया में 3 बैंकों का मर्जर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है और अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझाने के लिए मैंने अलग से एक ऑडियो बना दिया है, उस ऑडियो को आप सुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे तो ऑडियो रिविजन करके एक लिंक दिया हुआ है,
आप उस लिंक पर क्लिक करके इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझ सकते हो। इस मर्जर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनपीए पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड में बैंकिंग के सेक्टर में इंडिया की क्या रैंकिंग बनेगी, ये सब समझाने के लिए मैंने पूरा एक ऑडियो बनाया है और उस ऑडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके इस ऑडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई पुनरुद्धार पर आरबीआई पैनल के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में एमएसएमई पुनरुद्धार पर आरबीआई पैनल के प्रमुख नियुक्त हुए हैं यूके सिन्हा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है यूके सिन्हा और इनको अभी हाल ही में एमएसएमई पुनरुद्धार पर आरबीआई पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब आरबीआई के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन ये जो एमएसएमई लिखा है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह प्रेजेंट टाइम पे हमारे एमएसएमई मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 में बैंकिंग लोकपाल के साथ शिकायतें कितने प्रतिशत बढ़ी हैं? तो अभी हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2018 में बैंकिंग लोकपाल के साथ शिकायतें 25% तक बढ़ी हैं। पिछले साल ये शिकायतें 18% थी, लेकिन वित्त वर्ष 2018 में ये शिकायतें बढ़कर 25% हो गई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये बैंकिंग लोकपाल शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बैंकों के अंदर एक लोकपाल होता है जिससे बैंकों से जुड़े जिसमें मामले सुलझाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं बैंकिंग लोकपाल। तो बैंकिंग लोकपाल के साथ शिकायतें पिछले वित्त वर्ष में यानी कि 2018 में 25% तक बढ़ी हैं। अब ये रिपोर्ट है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप जानते हो। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अभी हाल ही में 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विरासत के संरक्षण के लिए एक नए पैनल के गठन को मंजूरी दी गई? तो अभी हाल ही में असम की विरासत के संरक्षण के लिए एक नए पैनल की गठन की मंजूरी दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विरासत को संरक्षित रखने के लिए एक नए पैनल के गठन को मंजूरी दी गई है। अब ये असम के लिए है मंजूरी, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, जब भी बात असम की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एक सिंह वाला गैंडा भारत में किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो असम और पश्चिम बंगाल, यही दो राज्य हैं जहां पर एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हुआ है, वे किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे? तो रमाकांत आचरेकर का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये सचिन तेंदुलकर के कोच थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सचिन तेंदुलकर के कोच थे रमाकांत आचरेकर और इनका अभी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 2010 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, 1990 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये सचिन तेंदुलकर के कोच थे और विनोद कामली के भी ये कोच थे, तो इनका नाम आप याद रखिए रमाकांत आचरेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में पीके सिंह सीसीआई के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये होती है सीसीआई की फुल फॉर्म और इसके अभी हाल ही में नए सचिव बने हैं पीके सिंह। आप इमेज में देखिए, ये है पीके सिंह, जो आपको पीके सिंह लिखा दिख रहा है वो है पीके सिंह। बहुत मुश्किल से ये इमेज मिली है, तो आप देखिए यही है पीके सिंह और इनको अभी हाल ही में सीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर हवाई अड्डे को अप्रवासन चेक पोस्ट घोषित किया गया है, ये कहाँ है?
वीर सावरकर हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में, और इसको अभी हाल ही में अप्रवासन चेक पोस्ट घोषित कर दिया गया है। यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये पोर्ट ब्लेयर में है ये समझ में आता है, लेकिन अप्रवासन चेक पोस्ट का क्या मतलब होता है ये समझ में नहीं आता। तो अप्रवासन चेक पोस्ट का मतलब है जैसे आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जा रहे हो तो इसके थ्रू जा सकते हो, और बाहर की किसी कंट्री से आप इंडिया में आ रहे हो तो इस चेक पोस्ट के थ्रू आ सकते हो। यानी कि इंडिया में एंट्री भी यहां से कर सकते हो और इंडिया से एग्जिट भी यहां से कर सकते हो। तो ये है अप्रवासन चेक पोस्ट का मतलब। ये परमिशन मिल गई है वीर सावरकर हवाई अड्डे को। आप इमेज में देखिए, ये है वीर सावरकर हवाई अड्डा, और इसी को अप्रवासन चेक पोस्ट की परमिशन मिली है। अब ये पोर्ट ब्लेयर में है, तो पोर्ट ब्लेयर सुन के आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला, और उनका जो नाम बदला गया है वो तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि सर आप पूरा अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल में बता दीजिए। तो इन द्वीपों का नाम क्यों बदला गया है, इनकी हिस्ट्री क्या है, और यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए भी मैंने अलग से ऑडियो बना दिया है, और उस ऑडियो को भी आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरा ऑडियो सुन सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, वीडियो बनाने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए मैं अलग से ऑडियो बना देता हूं। तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में C.H. लोकनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो C.H. लोकनाथ ये कन्नड़ भाषा के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे C.H. लोकनाथ, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 91 वर्ष की उम्र में। इन्होंने 600 से ज्यादा मूवी में काम किया और 1000 से ज्यादा नाटकों में इन्होंने काम किया, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी दी है हरियाणा ने, तो आप मैप में देखिए, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ और किसकी कैपिटल है? पंजाब की कैपिटल भी है चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सौरभ कुमार को आयुध निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सौरभ कुमार, और इनको अभी हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BK यादव अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है, हाल ही में जेयर बोल्सोनारो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर IndreshRC IndreshRC इंस्टाग्राम पर IndreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना,
और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिंक दे दूंगा ऑडियो का। आप उस ऑडियो को जरूर सुन लीजिए क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार वाला ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये बैंकों के मर्जर वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा। आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।